बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत को भले ही 2 साल हो गए हों, मगर अब भी उनकी मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई है। सुशांत की मौत को सुसाइड बताया गया था, मगर उनके परिवार वालों का कहना था कि उनकी हत्या की गई है। तो वही हाल ही में इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। बीते दिनों ही कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस बात का खुलासा किया कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ये एक मर्डर था। उस दौरान जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तो उनके शरीर पर काफी चोटें थी। इन सब मामले के बीच अब सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने क्रिप्टिक पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस दौरान एक्ट्रेस के पोस्ट में लिखा था कि आप आग से होकर गुजरे हो, तूफान से खुद को बचाया, शैतान के ऊपर जीत पाई। इस बात को याद रखो जब अगली बार आप अपनी ताकत पर शक करो। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के इस पोस्ट को देखने के बाद हर कोई हैरान नजर आ रहा है। दरअसल बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और जब एक्टर की मौत की खबर सामने आई तो उनके परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया कि वो और उनके भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देते थे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में बीते दिनों कूपर हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने बयान देते हुए इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखकर उन्हें नहीं लग रहा था कि ये एक सुसाइड का मामला है। वेल, इस बारे में बात करते हुए उस स्टाफ मेंबर ने कहा कि जब सुशांत की मौत हुई थी तब हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 शव पोस्टमार्टम के लिए मिले थे। इनमें से एक वीआईपी शव था। जब हम पोस्टमार्टम के लिए गए तो हमें पता चला कि ये शव एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का था। उस दौरान उनके शरीर पर कई निशाने थे और गले पर भी 2-3 निशान थे। उनकी बॉडी देखने में काफी अलग लग रही थी। तब मैं अपने सीनियर के पास गया और उनसे कहा कि ये सुसाइड का मामला नहीं लगता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर जो निशान थे वो फंदे से लटकने वाले नहीं लग रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उस स्टाफ मेंबर ने यह भी खुलासा किया कि उनकी इन बातों को सरासर अवॉइड किया गया और उनसे ये कहा गया कि इस बारे में बाद में बात की जाएगी। हालांकि इस मामले पर खुलासा होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उस स्टाफ मेंबर की सुरक्षा की मांग की गुहार लगाई है और अपने ट्वीट में उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? सुशांत सिंह राजपूत मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।